जग्गे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ अच्छा, मुझसे मिलने आई हो? वो कुछ ढूंढने आई हो यहाँ पे? क्या? वो उस दिन रिहर्सल करते करते शायद मेरी घड़ी टूटकर यहीं कहीं गिर गई, वही ढूंढने आई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, गुम गई तो गुम गई। मैं तुम्हारे लिए एक महंगी डिजाइनर वॉच ला कर दूंगा, एक खूबसूरत कलाई के लिए खूबसूरत वॉच। जग्गी, अब ये सब ठीक नहीं लगेगा। क्या ठीक नहीं लगेगा? उस केडी पाठक और उस केस की वजह से तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में सबको पता चल गया है, मेरी बीवी को भी। और खुशखबरी तो ये है कि वो मुझे तलाक भी देने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए डरने की अब कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। जग्गी, प्लीज। क्या हो गया? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मुझे इतनी दूर तक लाकर मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। जग्गी साहब, ये नया सेट बनाने की लकड़ियां कहाँ रखनी है? यहाँ रख दो, मेरे सर पर। अरे हीरो के मरने के चक्कर में पूरा प्ले चौपट हो गया और तुम्हें इन लकड़ी की पड़ी है? बाहर रख दो कोने में, चल चल। और तुम फोन। हेलो, क्या? पर क्यों? कब? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। किसका फोन था? वो आरिफ का फोन था। आरिफ? मुझे और आरिफ को केटी ने अपने ऑफिस में बुलाया है, मैं जाती हूँ। आपके पास कैसे आए? ये बात छोड़िए, ये बताइए कि पहली बार देख रहे हैं आप ये तस्वीर? हाँ जी। तो इन्हें लेकर कोई ब्लैकमेल कर रहा था आप दोनों? नहीं सर, वो ब्लैकमेलिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप इस बात को दबाए रखिएगा। खासकर वो प्रोड्यूसर जग्गी, उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सर मुझे तो वो प्ले से ही निकाल देगा, और इशिका के साथ तो उससे भी बुरा सलूक करेगा वो। मिस्टर पाठक, मेरे और इशिका के अफेयर का समर की मौत से कोई लेना देना नहीं है, आप यकीन कीजिए हमारा। सब अगर इन्हें भी नहीं पता कि ये पेन ड्राइव किसका है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस थर्ड रो के पीछे कौन छुपा था? जिस समय समर की मृत्यु हुई आप कहाँ थी शिखा जी? हाँ मैं वहीं पर, लेकिन मैं अपने मेकअप रूम में थी, वो लाइंस रिहर्स कर रही थी, स्टेज के आसपास तो मैं गई भी नहीं। Really? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी सर? Excuse me. ठीक है, पहुंच दो। पता नहीं क्या भूत चढ़ा था राजू पर, जोर जोर से चिल्ला रहा था और आपको बुला रहा था, बोल रहा था उसे पता है कौन छुपा है थिएटर में,
थर्ड रो की पांचवी सीट, ऐसा कुछ बोल रहा था। ये यार राजू बोल रहा था या कोई और? ओ हाँ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, थैंक यू। बच्चन साहब आए तो उनसे कहना कि जाने से पहले कागज पर, पर्ची पर नाम लिख कर जाए कि तीसरी रो की पांचवी सीट के पीछे कौन था, लिख कर जाए। अरे अरे, ये हमें लिखा गया है, कौन लिखे हैं? कौन कौन? लिखावट भाई है। अरे किसने लिखा, कहाँ लिखा? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। सुना तुमने, सुना तुमने मैंने क्या कहा? अब आएगा मजा। नहीं 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 नहीं, वो तो और तुम थी बहुत बेइंसाफी है माधव। हमको नहीं पता माधव, हमको कुछ नहीं पता। योर ऑनर, ये माधव गोसालिया हैं जो उस दिन नटरंग थिएटर के तीसरे रो की पांचवी सीट के पीछे छिपे हुए थे। समर की हत्या हुई उसके बाद राजू ने इन्हें वहां से भागते हुए देखा। नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं, तो कैसे देखेगा राजू? वाह पाठक साहब, इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, जरूर कोई सबूत तो होगा आपके पास। है नहीं है, ये भी राजू का वही मनगढ़ंत बयान है, है? राजू देखा था तुमने इन्हें वहां पे? मुझे याद नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि अगर मेरे अंदर के किसी और आदमी ने देखा होगा तो उसने देखा होगा। बस बंद करो राजू, काफी घुमा चुके हो तुम केस को और काफी समय भी बर्बाद कर चुके हो तुम केस का। पता तो बोलो ना, चुप रहो। और पाठक साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू हैव एनी एविडेंस प्लीज अदालत में पेश कीजिए। मैं अदालत में सबूत पेश करूं उससे पहले जसवाल साहब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गो ऑन। क्या आपके घर में लोग ऊंचा सुनते? नहीं, लेकिन जो टेढ़ा सुनते हैं उसके लिए मैं ये पेन ड्राइव आप ही का है मिस्टर गोसालिया। एक मिनट, नहीं ये मेरी नहीं है सर। ये पेन ड्राइव हमें तीसरी रो के पांचवी सीट के पीछे मिला, हो सकता है भागते वक्त आपकी जेब से वहां से गिर गया हो। एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या ये पेन ड्राइव आप ही का है? कमाल हो सर, आप 10 बार पूछोगे तो मैं मेरा जवाब थोड़ी बदल दूंगा, मेरी नहीं है ये। जिद्दी किस्म के इंसान है आप, कोई बात नहीं। ये जो पुराना मॉडल का लैपटॉप है ये तो आप ही का है ना? नहीं, मतलब हाँ, मेरे नाम पे रजिस्टर है तो मेरा ही है। आपके नाम पे रजिस्टर हुआ है तो आप ही का होगा। स्पिरिडॉन, देखते हैं कि हाल ही में आपने कौन कौन सी फाइल्स खोली। जे ड्राइव यानी कि यूएसबी ड्राइव पर आपने कुछ ये तस्वीरें देखी, वही सुखदायक मुद्रा में आरिफ जी की और इशिका जी की। अद्भुत बात है कि ये तस्वीरें इस पेन ड्राइव पर उपस्थित है। सर मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं वहां पे था, पर सर मैं क्यों, मतलब मैंने नहीं मारा समर को सर, बिलीव मी। पापा वहां से भाग क्यों गए? भागते तो मुजरिम है सर। मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ। हमारे प्ले की हीरोइन इशिका और डायरेक्टर आरिफ शेख, उन दोनों के बीच में पिछले कई दिनों से कुछ चक्कर चल रहा था और मैंने उन दोनों की चोरी से कुछ तस्वीरें खींची थी। मुझे लगा मैं पैसों के लिए उनको ब्लैकमेल करूँगा। लेकिन उस दिन जब हॉल में मैंने समर को जग्गी सर से फोन पे बात करते सुना तो मैं खुद चौंक गया सर। सर जग्गी सर,
मैं ये भी जानता हूँ इशिका और आपके बीच क्या चल रहा है। सर सर जग्गी सर, आप तो शादीशुदा हैं और ये बात आपके लिए बहुत बुरी है। सोच लो कि हमारी पूजनीय भाभी जी यानी आपकी वाइफ इस बात के बारे में जान जाएगी तो आपके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। बस मैं यही बात सुनता हुआ पकड़ा ना जाऊं इसलिए मैं वहीं पे छुप गया। और फिर जाता भी कैसे क्योंकि फिर वहां पे राजू आ गया और राजू और समर के बीच में बहस शुरू हो गई। मैं बैठा हुआ सब सुन रहा था सर और शायद उसी दरमियान ये पेन ड्राइव मेरी जेब में से गिर गई होगी। सर मैं बैठा बैठा राजू की आवाज़ बराबर सुन रहा था कि तभी मैंने हथौड़े की आवाज़ सुनी। और सर ये सब देखकर मैं इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं सीधा वहां से भागा लेकिन राजू ने मुझे देख लिया। नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए मैंने समर को नहीं मारा। मतलब मैं क्यों समर को मारूंगा? क्योंकि अब समर के जाने के बाद उस नाटक के मुख्य नायक आप बनेंगे, ये आपके निर्देशक आरिफ ने मुझसे कहा है। क्या इतनी वजह काफी? सर लेकिन घबराइए मत, ये इनकी पुरानी आदत है हवा में तीर छोड़ने की ताकि प्रोसिक्यूशन जख्मी हो जाए, वीक पड़ जाए। आई हैंडल। फाटक साहब तो आपका ये कहना है कि तीसरी रो में जो माधव छुपा हुआ था वहाँ से उसने हथौड़ा फेंका और समर जी संभव है? मेरे अनुमान में हर प्रकार से संभव है। जायसवाल साहब आप तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि थिएटर में दो ही व्यक्ति थे, मैं अभी अभी साबित कर चुका हूँ कि तीन व्यक्ति थे। तो जितना संदेह राजू पर जाता है उतना संदेह इन पर भी तो जाता है। करेक्ट। एक लूपहोल है। क्या है तीसरी रो समर वहाँ स्टेज पे सेंटर में, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, मतलब क्या योग्य है इसके लिए इतनी दूरी से ये फेंकना? राजू और नजदीक खड़ा था ना। तीसरी रो से समर ज्यादा दूरी पर नहीं खड़े थे, मुझे लगता है पूरी तरह ये योग्य है हथौड़ा मारने के। ये बात तो थिएटर में जाके ही पता करनी पड़ेगी पाठक साहब। योर ऑनर विथ योर काइंड परमिशन। योर ऑनर फिर एक बार मैं वही दृश्य दोहराता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे समर खड़ा था योर ऑनर, जब उसके सर पे वार हुआ था हथौड़े से। और राजू जी आप अपनी जगह पे सही खड़े हो ना? एक सेकंड, मैं डायलॉग बोल के बताऊँ, मुझे पूरा याद है। नहीं जरूरत नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब बोलिएगा ठीक है। और माधव तुम वहीं पे तीसरी रो पांचवी सीट, ठीक है ना तुम्हारी पोजिशन? जी करेक्ट। अब वो तुम्हारे हाथ में जो हथौड़ा है वो मुझ पे यानी कि जायसवाल नहीं समर हूं मैं, मुझ पे यहाँ पे फेंको, यहाँ पे लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने न तो राजू ने, दोनों में से किसी ने हथौड़ा नहीं मारा। माधव ने भी वार नहीं किया है, राजू ने भी वार नहीं किया है, मैंने वार किया है क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था समर पे, उसकी वजह से राजू भाई की नौकरी गई और मैंने मार दिया समर को। ये आप नोट कर रहे हैं ना सारी बातों की, प्रयोग हो सकता है इसका अदालत में। अरे नहीं कुछ सुनना मत। केटी तुम ये कैसे कह सकते हो कि राजू ने वार नहीं किया? योर ऑनर मैं स्पष्ट किए देता हूँ। राजू जरा पीछे हटना। माधव मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं अब आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। राइट। और उस दिन जब तुम वहां छिपे हुए थे, राजू यहाँ खड़े खड़े डायलॉग्स बोल रहे थे, तब इनके सारे डायलॉग्स तुमने क्लियरली सुने थे या डायलॉग्स में कोई खलल पड़ी थी? राजू की आवाज बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही थी, एकदम क्लियर और एकदम लाउड। कॉमन सेंस है पाठक साहब, माइक अगर सामने होगा और इंसान बोलेगा तो आवाज आएगी, इसमें नई बात क्या है? एग्जैक्टली मिस्टर जायसवाल, ठीक उसी तरह जैसे मैं वहां मुंह करके बात करता हूँ
तो डायलॉग साफ साफ सुनाई देते हैं, लेकिन मैं इस तरफ मुड़ा तो मेरी ध्वनि धीमी हो जाती है। किंतु माधव ने उस दिन राजू का हर डायलॉग साफ साफ सुना। इसका अर्थ यह हुआ कि उस दिन राजू समर की ओर, समर की दिशा में मुड़ा ही नहीं, और जब वो समर की दिशा में मुड़ा ही नहीं तो समर पर आक्रमण कैसे कर सकता है। राजू ने हथौड़ा नहीं फेंका। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। एक ये मिस्टर जायसवाल, केडी हैज अ पॉइंट। ऑडिटोरियम में सिर्फ 3 लोग थे और कोई था ही नहीं, तो फिर हथौड़ा मारा किसने? चौथा। ऐसे घूस के क्या देख रहे हो कमबख्तो? क्या मेरा चौथा होने वाला है? मैं तो उस चौथे की बात कर रहा हूँ जिससे मैं टकराया था, वो भी पीछे। किससे टकराए थे? ये थी चौथी। देख के चला करो बिटिया, इस भरे बुढ़ापे में क्या हमें ऊपर पहुंचाओगी? हैं? बताइए। अच्छा बिटिया, तुमने सामर को देखा? सामर को? हैं? हैं? बताइए। आजकल की नस्ल बुजुर्गों की इज्जत करना जानती ही नहीं। हर लौंडा लौंडिया आजकल का लैपटॉप के ऊपर बैठा है और कैटवॉक कर रहा है पिज़्ज़ा बर्गर फैमिली। मगर इसके हाथ में वो क्या रहा? काल ले रही। मैं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने उस दिन कोर्ट में आपको बताया था ना कि मैं वहां पर थी नहीं। झूठ बोल रहा है ये। मारूंगा रैपटा खींच के, बत्तीसी बाहर हो जाएगी। ये मुझसे इतनी जोर से टकराई कि मेरी हड्डियां अभी तक कीर्तन कर रही हैं। और हाँ, इसके पास वो भी था जब साहब, वो क्या कहते हैं जो मिस्त्री के पास होता है ना, वो लंबा बड़ा। क्या था इसके हाथ में? आए हैं तो कुछ चाय पियेंगे? आइए योर ऑनर। हाथी घोड़ा नमस्कार। मैंने आपसे कहा ना, उस दिन मैं वहां पर थी ही नहीं। इशिका जी, स्टेज के पीछे जो स्थान राजू ने बताई थी, वहां इंस्पेक्टर दवे को एक घड़ी मिली है। तुमने पता लगाया तो पता चला कि आपकी घड़ी है। आपकी है ये घड़ी? नहीं, हाँ, मेरा मतलब मेरी घड़ी है ये, लेकिन ये समर के खून के यही कोई 1-2 दिन पहले गुम हो गई थी। झूठ बोल रही हैं आप। 1-2 दिन पहले नहीं, ये उसी दिन आपके हाथों से गिरी थी जिस दिन समर की हत्या हुई थी, उस समय जब आप राजू से टकराई थी। उस समय कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं पाठक साहब, जाहिर है इस बात की गारंटी तो होगी आपके पास। गारंटी स्वयं ये घड़ी है जो उसी दिन पर, यानी कि 10 अगस्त 2012 उसी समय पर, दोपहर के 2:40 पर गिरते ही बंद हो गई थी, अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है। हाँ तो कृपा कर बताइए इशिका जी के, झूठ क्यों बोला मैं जब आप वहां थी तो आप क्यों कह रही हैं कि आप वहां नहीं थी? ताकि आप मुझ पर शक ना करें। शक तो आप पे ही होगा इशिका जी। ये घड़ी मेरी है, लेकिन मैंने समर को नहीं मारा। मैं तो उसके साथ सीन रिहर्स करने जा रही थी जब मैंने पर्दे के पीछे से समर को जग्गी सर से बात करते हुए सुना। तंग? तंग तो आपकी पत्नी होंगी सर। सर जग्गी सर, जब इशिका और आपकी फोटोग्राफ्स एक्शन और रिएक्शन से भरपूर फोटोग्राफ्स देखेंगी तब। अरे
अजय सॉरी देख के चला करो बिटिया। राइट और वो हथौड़ा? कैसा हथौड़ा? वही हथौड़ा जो आपके हाथ में था। एक मिनट, मेरे हाथों में कोई हथौड़ा नहीं था। देखिए शिका जी, झूठ मत बोलिए। राजू ने हमें बताया कि जिस समय आप उससे टकराई उसने आपके हाथों में हथौड़ा देखा था। कब कहा था ये पाठक साहब? थिएटर में। राजू ने नहीं, चाचा ने कहा था। भूल गया? लेकिन चाचा ने कहा भी नहीं था, वो तो कहते कहते रह गए थे। क्यों चा? What nonsense! हिलना बंद कीजिए चाचा। तुम्हें औरत और मर्द में फर्क नजर नहीं आता? आई एम योर सिस्टर। सवाल साहब, यहाँ आ जाइए। सेफ सुन। देखिए शिका जी, आप महिला हैं, मैं आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। सच सच बोलिए वरना। मैं सच बोलूंगी सर, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि उस दिन मैं वहां पर थी, और जैसा कि राजू ने आपको बताया, मेरे हाथों में हथौड़ा भी था। लेकिन ये वो हथौड़ा नहीं था जिससे समर का खून हुआ था। एक और? मुझे पता था कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ये बात छिपा रही थी। लेकिन दरअसल सर, बात ये है कि उस दिन मेरी सैंडल से कील निकल गई थी, जिसे ठीक करने के लिए मैंने महीपाल के टूल बॉक्स से एक हथौड़ा लिया था। कील ठीक करने के लिए मैं उसे वो हथौड़ा वापस करने जा रही थी, जब मैंने समर की बातें सुनी। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप इशिका जी? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि अब तक मैंने अदालत में जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है, लेकिन ये सच है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने समर को नहीं मारा। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? आप खुद सोचिए, मैं भला इतनी दूरी से समर को हथौड़ा कैसे मार सकती थी? सोचिए पाठक साहब, सोचने जैसी बात। ये छुई मुई सी लड़की कैसे हथौड़ा फेंकेगी, कैसे लगेगा? और इनका वहाँ पे होना और हथौड़ा वहाँ पे मिलना, समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रही बात। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है जैसा। ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहिए। योर ऑनर, कोई है जिसने मुझे ये बताया है कि जब राजू समर से मिलने गया तब उसके हाथ में हथौड़ा था? कहाँ थे आप अब तक जग्गी जी? बोलिए कौन था, किसने देखा उसको? वही जिसने हॉल से वापस लौटते समय मुझे ये बात बताई, कारपेंटर महीपाल। महीपाल, तुमने जो भी देखा साफ साफ यहाँ पे अदालत में बता दो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम महफूज हो। बोल साहब, हम तो बस काम करने वाले मजदूर हैं। उस दिन हम सेट की ठोका पीटी कर रहे थे तो राजू भाई हमारे पास आए। अरे भैया, कहा काहे इतना मेहनत करते हो भैया? तुम्हार मेहनत देख देख के ससुरा हमें थकान होने लगी। राजू भैया कैसे? अब भैया राजू का तो पता नहीं, हम एकदम फर्स्ट क्लास है, चकाचक जहाँ जाते हैं भौकाल मचा देते हैं। ला ये हथौड़ा हमको दो, बस एक दो की खोपड़िया खोलना है, बहुत मेहनत और हिम्मत का काम है। तुम करोगे हमारे लिए? तुम कहे करोगे, हमें करना पड़ेगा। अब ये हथौड़ा लेना हमसे जरा बाद में।
रोड प्लीज। महिपाल तुम्हें शुरू से सब पता था। यहाँ पर मैं खास करके पाठक साहब इतने परेशान हैं उस हथौड़े को लेकर कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने मारा, क्यों मारा। जो केस मैं 10 मिनट में सॉल्व कर सकता था उसके लिए 2 दिन तक मुझे लड़ना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले क्यों नहीं बताया जब आप कर आ जाए। मिस्टर जायसवाल प्लीज। अरे सर टाइम वेस्ट कर रहे। माफ करना साहब लेकिन हम राजू भैया के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बहुत कृपा रही है इनके हम पर। जब हमारी खोली टूटी तो नई खोली के लिए इन्होंने हमें पैसे दे दिए। हम हमारे अन्नदाता रहे हैं, हम इनके खिलाफ कैसे बोलें? तो आप क्यों बोल रहे हैं महिपाल जी? ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने पर बोल रहे हैं। नहीं साहब, हम अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कब तक हम अपने आत्मा को दबाए रखें। माना कि इनके बहुत उपकार हैं, हमारे अन्नदाता हैं, जीवन दाता हैं, लेकिन उसकी वजह से हम किसी की हत्या को कैसे छुपा सकते हैं और कब तक? राजू, राजू जी, मैं जानता हूं कि मेरे प्रश्न का तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। पूछता हूं फिर, क्या ये महिपाल सच कह रहा है? वकील साहब, काश काश ये सच होता कि मैं वहां पे होता, फिर मैं वहां पे था ही नहीं। वहां पे तो था नीरज कुमार। अब नीरज कुमार को पता होगा कि ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। वकील साहब मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। एक्चुअली वकील साहब, मेरी लड़ाई मेरी खुद से है। मैं कभी कुछ हूँ, कभी नहीं हूँ, कभी कभी ये हूँ, कभी वो हूँ, कभी असली हूँ, मगर मैं अभी असली हूँ, इस वक्त मैं असली हूँ। मुझे पता था कि ये बीमारी एक दिन मेरी जान ले लेगी। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, मैं फंसता जा रहा हूँ। मुझे सजा मिल जाएगी, मुझे बाजी हो जाएगी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, रोजी रोटी कमा रहा था मैं थिएटर से। एक दिन अचानक एक झटके में मुझे ड्रामे से अलग कर दिया। मैं बेरोजगार हो गया। इधर मेरी नौकरी छूटी, उधर मेरी पत्नी छूटी। पत्नी किसी और के साथ भाग गई। हमें बच्चों को कैसे पालता, अपने बच्चों को लेके अपनी दीदी के पास छोड़ दिया मैंने। अब मैं रह गया अकेला, एकदम अकेला रह गया मैं, एकदम अकेला। नहीं, अकेला नहीं हूं मैं, अकेला नहीं हूं, जैसा अकेला नहीं हूं। मेरे साथ हैं 7 लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे अंदर हैं। वो कभी कभी निकलते रहते, मैं इन्हीं से टाइम पास करता हूं। मैं, लोग मुझे कहते हैं सप्तरंगी कलाकार, 7 अदाएं 7 अंदाज, इंद्रधनुष। मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाती थी, मुझे कहानी। तो दादी माँ कहती थी कि इंद्रधनुष की एक छोर पे सोने का घड़ा होता है, दादी माँ मेरी बोलती थी। लेकिन इस इंद्रधनुष के छोर पे गोबर से भरा घड़ा है, वो भी मेरी किस्मत की तरह फूटा हुआ। तो मैंने मर्डर नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया। राजू, महिपाल के बयान के बाद अब ये केस थोड़ा सा डामाडोल हो गया। अब तो साहब
मुझे भी लगने लगा है कि समर का मर्डर मैंने किया होगा। मैंने मारा होगा, मैं क्यों नहीं मार सकता, मैंने मारा होगा। सब एक तो मेरी बीमारी, ऊपर से मेरा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और बीमारी दोनों साथ साथ चल रही है मेरे ऊपर। मैंने मारा होगा, मैंने मारा होगा। और साहब मैंने मैंने तो ये तक फैसला कर लिया, अगली बार जब जाएंगे ना कोर्ट में, जब पेशी होगी, मैं जज साहब के सामने कबूल कर लूंगा, मैंने मारा है समर को, मैंने मारा है। राजू, ये नौबत ही नहीं आएगी, अगली पेशी में मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम निर्दोष हो। पता नहीं साहब, ये लोग बहुत, ये दुनिया बहुत जालिम है साहब, ये लोग, मुझे सजा होगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, विश्वास रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कल इस केस की सुनवाई है और अभी तक हमारे पास कोई सुराग नहीं। अगर हम मानसिक अवस्था क्लेम करेंगे तो शायद राजू को कम सजा होगी। क्या बोला तू? अगर मैं मानसिक स्थिति की गुहार लगाऊं तो राजू की सजा कम हो जाएगी। जी, इतने महीनों मेरे साथ काम करके बस इतना ही सीखा मेरे बारे में, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि राजू को सजा ही ना हो। चल। कहां से? कहते हैं अगर कहानी समझ में ना आए तो उसे एक बार फिर शुरुआत से पढ़नी चाहिए। अब ये कहानी शुरू हुई थी समर की मृत्यु से, माथे पर हथौड़ा लगा था, राजू ने हथौड़ा नहीं मारा तो हथौड़ा आया कहां से? ना दाएं से वार, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से। राइट, और ना नीचे से, तो फिर मुझे लगता है कि इस कहानी का रहस्य उस तरापे पे छुपा हुआ है। जा। मिला सब? एक पुरानी चप्पल है। पुरानी चप्पल तरापे पे? नीचे लेकर आ जा। जी सर। क्या हुआ सर? एक कील है, वो भी आधी ठुकी हुई। आधी ठुकी हुई? सी तो है, अब जाके हथौड़ा सही कील पर लगा। योर ऑनर, राजू चौरसिया के बयान के बाद मैं भी बहुत भावुक हो गया था, लेकिन अदालत जो है वो इमोशंस पे नहीं, जज्बात पे नहीं, हकीकत को मानती है। और हकीकत तो यही है जो महिपाल ने कहा था कि राजू ने ही उनसे हथौड़ा मांगा था, किसी के सर पे वार करने के लिए। किसके सर पर राजू जी? समर। सही कह रहा हूँ मैं? हैं? आखिरकार कानून के हाथ आपकी गर्दन तक पहुँच ही गए। अशबा, यह हाथ नहीं फांसी का फंदा है। सुना तुमने? यह हाथ नहीं फांसी का फंदा है। योर ऑनर, एक निवेदन करना चाहता हूं अदालत से। इससे पहले कि आप इस केस का निर्णय सुनाएं, मैं एक बार महिपाल जी से स्पष्ट कर लेना चाहूंगा कि उन्होंने वह हथौड़ा राजू को दिया था या नहीं। हाँ साहब, दिया था। तो जब राजू ने आपसे हथौड़ा मांगा, आप कहाँ थे? जी, स्टेज के बाहर का जो हिस्सा है ना, जहाँ सारा सामान रखते हैं, वहाँ। सामान कक्ष में? जी। सामान कक्ष से निकलकर राजू सीधा मंच पर गए समर से मिलने? जी। ना ढाई तीन मिनट लगा होगा उन्हें मंच पर पहुंचने का? जी। तो ये बताइए महिपाल जी कि ढाई तीन मिनट के अंदर आप सामान कक्ष के जमीन से लेकर थिएटर में लगे तरापे 40 फुट की ऊंचाई पर ढाई तीन मिनट में कैसे पहुंच गए आप? सर,
क्या कहा सर आपने? मैंने ये कहा जो आपने सुना कि 2.5-3 मिनट के अंदर अंदर सामान कक्ष के जमीन से 40 फुट ऊपर लगे तरापे पर आप कैसे पहुंच गए? आप वहीं थे ना, वहीं कुछ काम कर रहे थे? नहीं साहब, मैं वहां था नहीं, मैं तरापे पर नहीं था। और कौन था? मैं ही बात, क्योंकि बाकी सब सदस्य तो अपनी अपनी जगह पर थे, आप ही काम कर रहे थे तरापे पर। अध्यक्ष सर, ये क्या है, तरापे की नई स्टोरी समझ में नहीं है। आइए ना मैदान में, आइए समझाता हूँ। जसवाल साहब, मंच पर जिस जगह समर खड़े थे उसके ठीक ऊपर 40 फुट ऊपर तरापे पर हमें ये लकड़ी का टुकड़ा मिला। शायद ये लाइट इत्यादि लगाने के लिए लगाया गया। देखिए इसमें दो कील पहले से ठुकी हुई है। वकील साहब, वकील साहब, मुझे कुछ याद आया, मुझे याद आया, मुझे याद आया। हाँ, दो कील ठोकने की आवाज गूंजी थी। अबे कौन हथौड़ा मार रहा है इतनी देर से यार, बंद करो। तो मैं समझा बाहर से होगी, मगर वो ऊपर से थी। वो ऊपर से थी, जरा गौर कीजिए। ये तीसरी कील आधी मुड़ी हुई, ये महिपाल जी आप ठोकने जा रहे थे किंतु वहीं रुक गए और वहीं से आपने समर पर निशाना साधा और हथौड़ा उसके सर पे दे मारा। कुछ और जब हथौड़ा लग के जमीन पे गिरा तो राजू ने उस हथौड़े को उठाया जिसके कारण आपकी उंगलियों के निशान उस पर सिमट गए। नहीं साहब, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ था। एक बात बोलो महिपाल, आप थे वहाँ तरापे पर और उसका सबूत है ये चप्पा, आप ही कहें। जो वहां से घबरा कर भागते वक्त छूट गया था आपसे, अब बताइए किसके कहने पर आपने समर को मारा? जग्गी के, आरिफ के, या किसी और के? किसी के कहने पे नहीं साहब। गलती थी साहब, गलती। हम तो चुपचाप ऊपर तरापे पर अपना काम कर रहे थे कि अचानक हमारे हाथ से हथौड़ा छूटा और नीचे जाकर बराबर समर साहब के सर पे गिरा। उनकी उधर ही मौत हो गई साहब, हम बहुत डर गए, बहुत डर गए साहब, इसलिए ऊपर ही दुबके रहे और ऊपर से नीचे देखते रहे कि कैसे सभी लोगों ने राजू भैया को दोषी ठहराया। साहब हमको लगा अगर हम सबको सच बताएंगे तो हमको जेल हो जाएगी साहब। महिपाल, अगर इस केस के अंत तक तुम शांत रहते तो शायद बच जाते। क्या कारण था कि तुमने मध्य में आकर राजू पर उंगली उठाई? साहब आप जिस तरह केस को कुरेद रहे थे तो हमको डर लगा कि आज नहीं तो कल आप हम तक पहुंच ही जाओगे, इसलिए हमने राजू भैया की बीमारी का फायदा उठाकर वो कहानी रची साहब के वो हथौड़ा हमसे लेकर गए। से गलती हो गई साहब, समर साहब को हमने जानबूझ के नहीं मारा, वो एक दुर्घटना थी जिस किसी के हाथ से हो सकती है साहब। ठीक कहा तुमने महिमा, दुर्घटना किसी के भी हाथ से हो सकती है, लेकिन तुमने इसके आरोप में एक निर्दोष को फंसाया है, ये घोर अपराध है और यह अपराध तुमने किया है महिमा। डिफेंस, प्रेस योर ऑनर। यह अदालत
हरपाल शर्मा को समर त्रिपाठी की मौत का जिम्मेदार मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि वो ये पता करें कि ये मौत एक घात थी या अपघात। साथ ही ये अदालत राजू चौरसिया को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब जी, देखिए आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमेशा अंत में कुछ कहना आवश्यक है, नहीं ना? जाने देता नहीं इस बार, अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम। राजू राजू राजू, मेरे अगले नाटक के हीरो बनोगे? हाँ, मगर वो हमारी बीमारी। उसकी चिंता तुम मत करो, वो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मेरी दादी भी एक बात कहा करती थी, कहती थी कि हर इंसान के अंदर एक सोने का घड़ा होता है, जो होता है उसकी सच्चाई और सादगी तुम में है। अच्छा सुनो ना, चलो तुम्हारी वो अदरक वाली चाय पिलाता हूँ और तुम्हें सैंडविच खिलाता हूँ। प्लीज नमस्ते कर ले। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.